हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यार देखो, बात करते हैं आदि पुरुष मूवी की, जिसका बहुत टाइम से शोर था कि आदि पुरुष आ रही है। सो फाइनली आदि पुरुष आज के दिन रिलीज हो चुकी है। सो सबसे पहले मैं जा कर के देख कर गया है, फिर मैंने मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैंने कहा क्यों ना अब इसका रिव्यू किया जाए और आप लोग के साथ शेयर किया जाए। एक्चुअली मूवी मुझे पर्सनली कैसी लगी तो मैं कहूँगा मुझे एवरेज लगी। स्टोरी सबको पता था, नो डाउट स्टोरी कमाल की है, लेकिन VFX पर मार खा गए हैं, ये ज़रूर मैं कहूँगा। कास्टिंग से लेकर के शुरू से मुझे शिकायत थी। सबसे बेस्ट कास्टिंग में अगर मुझे कोई लगा है तो वो रावण लगा है। रावण मतलब कि सैफ अली खान, कमाल की एक्टिंग, कमाल का कास्टिंग है ये। अदरवाइज आप बात करो प्रभास की, तो प्रभास तो कहीं से भी भगवान राम लग ही नहीं रहे। नो डाउट शोर बहुत है मूवी के अंदर, पैसा मूवी बहुत कमाने वाली है। जिस तरीके से भगवान राम की एंट्री होती है तो जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। हाँ, इस मूवी के अंदर ये ज़रूर है कि इसका जो फील है, जब सॉन्ग आएगा तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करने लगते हो, और जो सॉन्ग है वो बहुत फ्रेश फील कराएगा आपको। देखो जब रामायण की बात करो तो हनुमान जी को भूल नहीं सकते हो, बखूबी काम बहुत अच्छा किया है सभी आर्टिस्टों ने। लेकिन वही अगेन मैं कहूँगा कि हनुमान जी के उसमें भी मुझे वही इशू आया, कास्टिंग को लेकर के, इनफैक्ट VFX को लेकर के बहुत सारे इश्यूज आए। सब कुछ साइड रखते हैं, कृति सेनन की बात करते हैं, तो कृति सेनन लुक वाइज अमेजिंग, लेकिन जब वो बात करती हैं तो बहुत ही मॉडर्न लगती हैं। ऐसा लगता है कि आज की लड़की वो फील नहीं ले आ पाई हैं। जब तक आप देखोगे डायलॉग्स नहीं बोल रही तब तक शी इज़ ओके कि चलो ठीक है, बट हाँ जहाँ बोलती हैं तो लगता है कि आज की लड़की, एक मॉडर्न लड़की बोल रही है। सो वो कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं हो पाया है। बट अगेन मैं कह रहा हूँ, मूवी बिजनेस बहुत करने वाली है यार। थिएटर्स फुल हैं, शोर मच रहा है जय श्री राम का, लेकिन लोगों को शिकायत बस इसी चीज़ की है कि यार भगवान राम कहीं से नहीं लग रहे हैं। प्रभास जो है बहुत ही रूट फेस दिख रहा है। थोड़ा सा कास्टिंग पर अगर मेहनत करते तो शायद ये और कमाल करती। सैफ अली खान को तो मैं 5 में 5 देने वाला हूँ। एक्टिंग, परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छी है, सारे आर्टिस्टों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बस कास्टिंग से इश्यूज हैं इस मूवी के अंदर। सो आप लोग कास्टिंग बताइएगा आपको परफेक्ट लगी कि नहीं लगी। मुझे जो लगी मैंने आपके साथ शेयर किया, और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये मूवी बिजनेस कितने का करने वाली है ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग फटाफट बताइए। सो आई होप कि आप लोग को ये रिव्यू पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू या रिएक्शन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जल्दी।